Hello students, welcome to concept classes. Today we are going to discuss class 10th algebra first chapter, linear equation in two variable. तो linear equation in two variable जानने से पहले हमें कुछ समझना पड़ेगा कि linear equation क्या है, two variable क्या है. तो चलिए जानते हैं linear equation क्या होता है. तो ये ax plus by प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन आप नाइन्थ स्टैंडर्ड में देखे रहोगे. तो ये इक्वेशन में ये तो लीनियर इक्वेशन है, इसको हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं. अब इसमें टू वेरिएबल ढूंढते, टू वेरिएबल का है. तो ये जो एक्स और ये वाई है ये टू वेरिएबल है. तो लीनियर इक्वेशन हम देख लिए, टू वेरिएबल देख लिए. अब देखते हैं इसमें और क्या क्या होता है. अभी ये ए एक्स है, बी वाई है, सी है, तो हमेशा तो ऐसा नहीं रहेगा. तो ए बी और सी की जगह पे नंबर्स आते हैं, ए बी और सी की जगह पे रियल नंबर्स आते हैं. उसके बाद एक्स और वाई ये वेरिएबल है, लेकिन एक बात हमें याद रखना है, यहां पे जो ए और जो बी है वो कभी भी जीरो नहीं होता. ए और बी कभी भी जीरो नहीं होगा, सी जीरो हो सकता है. अब क्यों जीरो नहीं होगा, क्योंकि अगर हम लोग ए का वैल्यू जीरो रख देते हैं तो एक्स का वैल्यू ऑटोमेटिकली जीरो हो जाता है, और जब एक्स का वैल्यू ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ना होके वन वेरिएबल हो जाएगा. कैसे, चलिए देखते हैं. तो अगर मैंने ए का वैल्यू जीरो रखा तो जीरो एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो. तो अब जीरो का मल्टीप्लाई अगर एक्स के साथ में करूंगा तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, ये बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो. अब यहाँ पे एक्स और वाई दो वेरिएबल था, इसलिए इस चैप्टर का नाम है टू वेरिएबल. लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ वाई बचा, मीन्स ये इसमें सिर्फ वन वेरिएबल है, इसीलिए ये ए और बी जो है वो जीरो कभी नहीं होगा. ये बात आपको याद रखना है. तो आपके पेज नंबर वन पे एक एक्टिविटी दी हुई है, चलिए उसे हम लोग सॉल्व करते हैं और लीनियर इक्वेशन के बारे में अच्छे से समझते हैं. तो ये हमारे पेज नंबर वन पर दी हुई एक्टिविटी, चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं और जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को और भी कितने तरीके से पहचाना जाता है. तो ये है हमारा 4m plus 3n equal to 12. हमने देखा था ax plus by plus c equal to 0 होता है, तो इसी फॉर्म में दिख रहा है, यहाँ पे आपको 0 नहीं दिख रहा है. तो हम इसको ax plus by अगर हम लोग plus c को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो माइनस सी. तो अब ये इस तरह का इक्वेशन दिख गया, मतलब ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है. तो यहाँ पर क्या आएगा, यस. नेक्स्ट 3x square minus 7y equal to 13. तो यहां पर डिग्री 2 दिख रहा है, लेकिन हमने जो डिस्कस किया था उसमें हर जगह पे डिग्री क्या थी, 1 थी. दैट्स व्हाई ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है. नेक्स्ट रूट 2x माइनस 5y इक्वल टू 16. तो यहां पे रूट जो है वो 2 के ऊपर लगा हुआ है, अगर वही रूट x के ऊपर भी लगा होता तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं होता. लेकिन यहां पे क्या लगा हुआ है, रूट 2 और रूट 5, वेरिएबल के ऊपर रूट नहीं लगा हुआ है, इसीलिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये है. नेक्स्ट यहां पे देखिए 0 आ गया वेरिएबल के साथ, तो ये नहीं है. यहां पर देखिए y वाले वेरिएबल के साथ 0 आ गया, तो ये भी नहीं है. यहां पे देखिए 4 अपॉन एक्स प्लस 5y इक्वल टू 4. तो इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या ये लीनियर इक्वेशन होगा कि नहीं होगा. तो 4 अपॉन एक्स प्लस 5y इक्वल टू 4, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4y प्लस 5x अपॉन xy इक्वल टू 4. 4y प्लस 5x इक्वल टू 4xy. यहाँ पर इसके साथ वेरिएबल नहीं होना चाहिए, मीन्स जो हमारा c वाला रियल नंबर है उसके साथ वेरिएबल नहीं होना चाहिए. लेकिन इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो इसके साथ भी वेरिएबल आ रहा है, मीन्स ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं होगा. यहाँ पर देखिए 4xy माइनस 5y माइनस 8 इक्वल टू 0. अब इसके साथ एक ही वेरिएबल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर दो वेरिएबल है, मीन्स ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं होगा. तो ये था हमारा पेज नंबर वन पर दिया हुआ एक्टिविटी, जिसको हमने देखा कि किस तरह से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को हम लोग पहचानते हैं. अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट 1.1.
तो ये है हमारे प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का एक्टिविटी के फॉर्म में दिया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसमें लिखा है कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, तो हमें ये एक्टिविटी को कंप्लीट करना है। और इसमें आगे क्वेश्चंस लिखा हुआ है कि ये दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो हमने 9th स्टैंडर्ड में भी साइमल्टेनियसली इक्वेशन को सॉल्व किया था, जिसमें हमने देखा था कि साइमल्टेनियसली इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दो पेयर जो है वो सेम होने चाहिए, और जो पेयर सेम है उनके साइन जो है वो अपोजिट होने चाहिए। जैसे यहां पर है, देखिए 3y 3y, ये दोनों पेयर सेम है और इसके साइन जो है वो अपोजिट है, नहीं होते हैं तो हमें बनाना पड़ता है। तो इसमें दो बातों का आपको ध्यान रखना है, पेयर सेम होने चाहिए, सेम पेयर होने चाहिए और अपोजिट साइन होने चाहिए। तो यहां पे देखिए 5x + 3y = 9, 2x - 3y = 12। तो यहां पर देखिए y का जो y वेरिएबल है उसका पेयर जो है वो सेम है और उसके साइन जो है अपोजिट है, तो हम इसको ऐड कर सकते हैं। तो चलिए ऐड करते हैं। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये प्लस है, ये माइनस है, ये कैंसिल हो जाएगा। 5 + 2 कितना हो जाएगा 7, 12 + 9 कितना हो जाएगा 21। नाउ 21 जो है वो ऊपर आ जाएगा और 7 जो है वो नीचे, 7 × 3 = 21। नाउ ये x का वैल्यू कितना आ गया 3। नाउ ये x का वैल्यू जो 3 है उसको हम लोग किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, 1 में भी पुट कर सकते हैं, 2 में भी पुट कर सकते हैं, लेकिन हमारी एक्टिविटी में जो दिया हुआ है वो लिखा है प्लेस x = 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में प्रूफ करेंगे। तो 5 × x है, तो यहाँ पे 5 × x, x का वैल्यू कितना है 3, तो 5 × 3 = कितना हो जाएगा 15, और ये 15 जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा -15। नाउ ये 3y एज इट इज, 9 - 15 - 6 हो जाएगा, -6 ऊपर, 3 जो है वो नीचे, 3 × 2 = 6, माइनस का साइन है तो -2, y = 2। नाउ हमारा x का वैल्यू आया 3, y का वैल्यू आया 2, सॉल्यूशन इज xy 3 and -2। नाउ तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अगर आपको लिखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन, 3a + 5b = 26, a + 5b = 26। तो मैंने आपको बोला था कि दो पेयर सेम होने चाहिए और जो पेयर सेम है उनकी साइड्स क्या होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे दो पेयर तो सेम है लेकिन इसकी साइड्स अपोजिट नहीं है। तो मैंने आपको बताया था अगर साइड्स अपोजिट नहीं होती है तो हमें क्या करना पड़ता है, सबट्रैक्ट करना पड़ता है। तो हम इस इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। तो इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन 1 और इसको 2। नाउ यहां पर लिखिए सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम फर्स्ट। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 3a + 5b = 26, a + 5b = 22। अब हम इसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहां पे जब माइनस आएगा तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा। नाउ 3 - 1 = 2a, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 26 - 22 = 4, a = 4/2, a = 2 × 2 = 4, 2 means a का वैल्यू कितना आया 2। नाउ अब मैंने बताया था a के वैल्यू को आप 1 इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं, 2 इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं। तो मैं इसको सेकेंड वाले इक्वेशन में पुट करता हूं, तो पुट a = 2 इन इक्वेशन 2, a + 5b = 22, a की जगह पे क्या पुट करेंगे 2, 2 + 5b = 22, 5b = 22, ये जो 2 है राइट हैंड साइड में जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो 5b = 20, b = 20/5, b = 5 × 4 = 20, तो b का वैल्यू कितना आया 4। तो हमारा सॉल्यूशन क्या हुआ, सॉल्यूशन ऑफ a एंड b = a का वैल्यू कितना है 2 और b का वैल्यू कितना है 4।
तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर आपको लिखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हम लोग करते हैं सेकंड। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड क्वेश्चन, इसमें क्या दिया हुआ है, x प्लस 7y इक्वल टू 10, 3x माइनस 2y इक्वल टू 7। तो यहाँ पे ना ही सेम पेयर दिख रहे, अपोजिट साइड तो दिख रहे, लेकिन मैंने बोला था सबसे पहले हमें देखना है सेम पेयर होने चाहिए, तो हमें सेम पेयर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3x है और यहाँ पे x है, तो अगर हम इस इक्वेशन के साथ 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये सेम पेयर हो जाएगा। फिर इसका साइन तो सेम है, तो हम इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये कट जाएगा। तो चलिए देखते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन वन बाय थ्री। इक्वेशन वन को थ्री से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 3x, ऐसे नहीं लिखते हैं, x प्लस 7y इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 3। तो अभी ये क्या हो जाएगा, 3x प्लस 7, 3 जा 21y प्लस इक्वल टू 30। ये हमारा इक्वेशन थर्ड हो गया। अब देखिए इक्वेशन सेकंड और थर्ड को देखिए, यहाँ पे 3x, यहाँ पे 3x, यहाँ पे माइनस 2, यहाँ पे 21 7, तो ये सेम पेयर हो गया। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम सेकंड। तो क्या है ये, 3x माइनस 2y इक्वल टू 7, 3x प्लस 21y इक्वल टू 30। इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा माइनस, तो ये प्लस माइनस कैंसल हो जाएगा। 21 माइनस 2, सॉरी माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 21 और 2 23y, और यहाँ पे साइन आएगा माइनस का। 30 माइनस 7, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस 23, y इक्वल टू माइनस 23 अपॉन माइनस 23 गेट्स कैंसल, y इक्वल टू 1, y का वैल्यू कितना है हमारा 1। नाउ अब हम लोग y का वैल्यू जो है वो पुट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, तो पुट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, x प्लस 7 इंटू 1 इक्वल टू 10, x 7 जा 7 इक्वल टू 10, ना 7 राइट हैंड साइड जाएगा, तो 10 माइनस 7 x इक्वल टू 3। ना हमारा y का वैल्यू 1 आया, x का वैल्यू 3 आया। सॉल्यूशन ऑफ x एंड y इक्वल टू 3 एंड 1। तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन हो गया। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो इसे ले लीजिए, फिर हम लोग करते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर सेकेंड का थर्ड क्वेश्चन, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो ये दिया हुआ है 2x माइनस 3y इक्वल टू 9, 2x प्लस y इक्वल टू 13। यहाँ पे अपोजिट साइड तो है लेकिन सेम पेयर नहीं है, यहाँ पे सेम पेयर तो है लेकिन साइड जो है वो सेम है, तो साइड सेम है तो कोई बात नहीं, हम लोग इसको क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो सब्ट्रैक्ट पहले मान लेते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, तो 2x माइनस 3y इक्वल टू 9, 2x प्लस y इक्वल टू 30, इसको माइनस कर देते हैं, तो इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, इसका भी, तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस 3 और माइनस y, माइनस 4y हो जाएगा। मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ, इक्वल टू माइनस 13 और 9, माइनस 4 हो जाएगा, y इक्वल टू माइनस 4 अपॉन माइनस 4, माइनस 4 माइनस 4 गेट कैंसिल, y इक्वल टू 1। Now, y का वैल्यू हम लोग पुट करते हैं इक्वेशन वन या टू में, तो मैं इक्वेशन सेकेंड में पुट करता हूँ, तो पुट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन सेकेंड, तो 2x प्लस y इक्वल टू 13, 2x प्लस y का वैल्यू कितना है 1 इक्वल टू
13 यहाँ पे 1 है वाई का वैल्यू 2x। नाउ वो प्लस 1 जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 12 अपॉन 2, 2 6 जा 12, x इक्वल टू 6, मींस x का वैल्यू 6 आया और y का वैल्यू 1 आया। तो हमारा सोल्यूशन क्या हो गया, सोल्यूशन ऑफ x एंड y, x का वैल्यू 6 है और y का वैल्यू 1 है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड क्वेश्चन। अगर आपको लिखना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ क्वेश्चन, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें दिया है 5m-3n इक्वल टू 19, m-6n इक्वल टू -7। तो यहाँ पर ना ही सेम पेयर है ना ही अपोजिट साइड है, तो हम सेम पेयर बनाते हैं उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा जो सेम पेयर रहेगा वो कट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इक्वेशन सेकंड में m दिया हुआ है और यहाँ पे 5m दिया है, अगर इसके साथ हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये सेम पेयर बन जाएगा, और फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 5m कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए करते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाय 5m, ऐसे नहीं लिखते इसको, m-6n इक्वल टू -7 मल्टीप्लाई 5। तो 5m-6 जा 30n इक्वल टू 5-7 जा -35। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन थर्ड। नाउ इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारा, 5m-3n इक्वल टू 19, 5m-30n इक्वल टू -35। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस। नाउ -30 तो +27n और 35 +19 प्लस और प्लस प्लस होता है तो 54, n इक्वल टू 54 अपॉन 27, n इक्वल टू 3 9 जा एंड 18 जा। नाउ 9 टू जा 18, n का वैल्यू कितना आ गया 2। नाउ n का वैल्यू जो 2 है उसको पुट कीजिए इक्वेशन 1, 2 या फिर 3 में, तो मैं पुट करता हूँ इक्वेशन सेकंड में, पुट n इक्वल टू 2 इन इक्वेशन सेकंड, m-6n इक्वल टू -7, m-6 इंटू 2 इक्वल टू -7, m इक्वल टू 6 टू जा 12 इक्वल टू -7, m इक्वल टू -7, ये -12 है उधर जाएगा तो +12, तो m इक्वल टू 5, मीन्स m का वैल्यू 5 आया और n का वैल्यू 2 आया। तो सॉल्यूशन हो जाएगा m और n का 5 एंड 2। तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व हो गया, अगर आपको लिखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। ये हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड का फिफ्थ क्वेश्चन, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है, ये 5x plus 2y-3, x plus 5y equal to 4, यहाँ पे भी ना ही अपोजिट साइड दिया हुआ है ना ही सेम पेयर दिया हुआ है, तो हम सेम पेयर बना सकते हैं। इक्वेशन सेकंड को आप देखेंगे तो अगर इसके साथ हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये भी 5x हो जाएगा और ये भी 5x, फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम लोग तो कट जाएगा। तो चलिए ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड, मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाय 5, 5 से इक्वेशन सेकंड को मल्टीप्लाई करते हैं तो x प्लस 5y इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 5 इंटू एक्स 5x, 5 इंटू 5y 25y, 5 4 जा 20, ये हो गया आपका इक्वेशन थर्ड।
तो अभी हम लोग यहाँ पे देखे 5x 5x सेम पेयर हो गया। अब अपोजिट साइड बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन सेकंड से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो लिखिए सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारा, 5x + 2y = -3। और थर्ड इक्वेशन क्या है, 5x + 25y = 20। ना इसको माइनस प्लस है तो माइनस, इधर प्लस है तो माइनस, ये कैंसल हो जाएगा। 25 - 2 - 23y एंड 20 and 3 - 23, क्योंकि माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस होगा। y = -23/-23, y = 1। y का वैल्यू 1 आ गया। फिर से जैसे हमने अभी तक चार क्वेश्चन किया, y का वैल्यू 1 जो है वो पुट कीजिए इक्वेशन 1 या 2 में। तो हम लोग पुट करते हैं 2 में, पुट y = 1 इन इक्वेशन सेकंड, x + 5y = 4। x + y का वैल्यू कितना है, 1, 5 × 1 = 4। x + 5 = 4। ना 5 जो है वो उधर जाएगा, तो 4 - 5, तो x का वैल्यू कितना है, -1। तो x का वैल्यू 1 - 1 और y का वैल्यू 1। तो लिखिए सॉल्यूशन ऑफ x एंड y, x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू 1। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। अगर इसे लिखना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का 6th क्वेश्चन, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो देखने में तो हार्ड लग रहा है, लेकिन ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले मान लेते हैं ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, ठीक है। अब ये 1/3 है, ये 10/3 है, 1/4 है, 11/4 है, तो ये हमें बहुत प्रॉब्लम देने वाला है। तो हम इसे हटा देते हैं। कैसे हटाएंगे, जैसे ये 1/3 है तो इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देते तो 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा। ये 10/3 है, अगर इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देते तो 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 10 बचेगा। तो इसी तरह से करना है। तो हम लोग इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। देखिए कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3 एंड इक्वेशन सेकेंड बाय 4। तो 1 में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1/3x (3+y)(3) = 10/3)(3). 3 और 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 3 और 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा x, यहाँ पे बचा 3y और यहाँ पे बचा 10। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3rd। नाउ इक्वेशन नंबर 2nd देखते हैं, किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से। तो 2x (4+1/4y)(4) = 11/4)(4). यहाँ से ये 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, ये 4 से ये 4, तो 4 × 2 = 8x हो गया, और यहाँ पे हो गया y और यहाँ पे बचा 11। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 4। नाउ अब थर्ड और इक्वेशन में देखिए कोई भी पेयर सेम है क्या, तो कोई भी पेयर सेम नहीं दिख रहा है हमें। साथ ही साथ ये भी देखिए कि क्या अपोजिट साइड्स है क्या, तो अपोजिट साइड्स भी हमें नहीं दिख रहे, तो ये हमें बनाना पड़ेगा। यहाँ पे 3y है, यहाँ पे y है, अगर हम लोग इक्वेशन 4 के साथ 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये सेम पेयर बन जाएगा, और उसके बाद इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये कट जाएगा। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 4/3, 8x + y = 11 × 3, 8 × 3 = 24, 3y = 33। ये हो गया इक्वेशन नंबर 5th। नाउ इक्वेशन 5th और 3rd को देखिए, तो यहां पर सेम पेयर बन गया 3y और 3y का। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट
इक्वेशन फिफ्थ फ्रॉम थर्ड. थर्ड इक्वेशन क्या है? एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू टेन. फिफ्थ इक्वेशन क्या है? 24x प्लस 3y इक्वल टू 33. नाउ इसको माइनस कीजिए. 24 माइनस 1, 23x. बड़े डिजिट के सामने माइनस है इसलिए माइनस. ये कैंसल हो जाएगा. 33 माइनस 10 माइनस 23. नाउ x इक्वल टू माइनस 23 अपॉन माइनस 23. माइनस 23 माइनस 23 गेट कैंसल. x इक्वल टू 1. नाउ x का वैल्यू पुट करो इक्वेशन थर्ड में, फोर्थ में या फिफ्थ में. तो मैं पुट करूंगा x का वैल्यू इक्वेशन थर्ड में. पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन थर्ड. तो इक्वेशन थर्ड क्या है हमारा? x प्लस 3y इक्वल टू 10. x का वैल्यू 1 है प्लस 3y इक्वल टू 10. नाउ ये जो 1 है ये इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा. तो प्लस 3y इक्वल टू 10 माइनस 1. 3y इक्वल टू 10 माइनस 1 9. y इक्वल टू 9 अपॉन 3. 3 3 जा 9. y इक्वल टू 3. मीन्स y का वैल्यू हमारा कितना आया? 3. और x का वैल्यू कितना आया? 1. तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारा? सॉल्यूशन ऑफ x एंड y इज x का वैल्यू 1 एंड y का वैल्यू 3. तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6. अगर आपको लिखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 7. ये आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड का 7 क्वेश्चन. तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं. इसको सॉल्व करने का थोड़ा सा अलग तरीका है. इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पहले इसको ऐड करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर उसमें से दो इक्वेशन मिलेंगे, उनमें हम सेम पेयर और अपोजिट साइड्स बनाएंगे, उसके बाद उसको साइमल्टेनियसली इक्वेशन से सॉल्व करेंगे. इस तरह से हमें सॉल्व करना पड़ेगा. तो आप देखिए आपको समझ में आएगा कैसे सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे? ऐड करेंगे. क्वेश्चन क्या दिया? 99x प्लस 101y इक्वल टू 499. 101x प्लस 99y इक्वल टू 501. तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं? ऐड करते हैं. एड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड. 99x प्लस 101y इक्वल टू 499 एंड 101x प्लस 99y इक्वल टू 501. इसको ऐड करते हैं. तो 101 एंड 99 200x, ये भी 200y हो जाएगा और ये हो जाएगा 1000. नाउ अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं? 200s को कॉमन ले सकते हैं. तो 200x प्लस y और यहाँ पे क्या बचा? 1000. नाउ ये 200 नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? x प्लस y इक्वल टू 1000 अपॉन 200. जीरो से जीरो कट गया और 2 5 10. तो x प्लस y का वैल्यू कितना आ गया? 5. तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड. तो ये है, जब हमने ऐड किया तो हमें ये इक्वेशन मिला. अब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं. सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2. 1 में से 2 को करते हैं तो हमें प्लस माइनस का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. नहीं तो अगर हम लोग 2 में से 1 को करेंगे तो प्लस माइनस का प्रॉब्लम आएगा. 101x प्लस 99y इक्वल टू 501. 99x प्लस 101y इक्वल टू 499. ना इसको माइनस करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 2x, यहाँ पे आएगा माइनस 2y, यहाँ पे आएगा 2. 2 को कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस y इक्वल टू 2. ना 2 कहाँ पर जाएगा? नीचे. तो x माइनस y इक्वल टू 2 अपॉन 2. 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो x माइनस y जो है वो आ जाएगा 1. ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फोर्थ. अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को देखिए. यहाँ पे सेम पेयर है y y और अपोजिट साइड है प्लस माइनस. तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग? ऐड कर सकते हैं. तो ऐड कीजिए. ऐड इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ. थर्ड क्या है हमारा? x प्लस y इक्वल टू 5 एंड फोर्थ क्या है? x माइनस y इक्वल टू 1. ये कैंसिल हो जाएगा. x और x 2x हो जाएगा. 5 और 1 6 हो जाएगा.
नाउ एक्स इक्वल टू सिक्स अपॉन टू, टू थ्री जा सिक्स, एक्स का वैल्यू कितना आया हमारे, हमारा थ्री आया, एक्स का वैल्यू थ्री आया। और अब एक्स का वैल्यू थ्री जो है उसको आप पुट कर सकते हो इक्वेशन थर्ड या फोर्थ में से किसी में भी, तो हम लोग पुट करते इक्वेशन थर्ड में, पुट एक्स इक्वल टू थ्री इन इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन थर्ड क्या है हमारा, x प्लस वाई इक्वल टू फाइव, एक्स का वैल्यू कितना है थ्री, थ्री प्लस वाई इक्वल टू फाइव, तो थ्री जो है राइट हैंड साइड में जाएगा तो फाइव माइनस थ्री हो जाएगा y का वैल्यू टू। नाउ हमारा x का वैल्यू थ्री आया, y का वैल्यू टू आया, सॉल्यूशन ऑफ x एंड y, x का वैल्यू कितना है थ्री एंड y का वैल्यू टू। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर सेवन कंप्लीट हो गया। अगर आपको इसको लिखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग करते हैं एट क्वेश्चन। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड का एट क्वेश्चन, इसको भी सेम सेवेंथ की तरह ही सॉल्व करने का है। इसमें भी हमें सबसे पहले ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, फिर हमें दो इक्वेशन मिलेंगे उसे हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो बहुत ही ईजी है ये भी, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम लोग इक्वेशन वन दे दिए, इसको टू दे दिए, अब हम इसको ऐड करते हैं, ऐड इक्वेशन वन एंड सेकेंड। अब 49x माइनस 57y इक्वल टू 172, 57x माइनस 49y इक्वल टू 252। नाउ इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 106x, ये हो जाएगा माइनस 106x और ये हो जाएगा 424। नाउ अब हम लोग 106 को क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 424। नाउ 106 कहाँ जाएगा, नीचे, तो x माइनस वाई इक्वल टू 424 अपॉन 106। नाउ x माइनस वाई इसको जब हम कट करेंगे तो ये 4 से कट हो जाएगा, तो x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर थर्ड। जब ऐड किया तो हमें ये इक्वेशन मिला x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब हम इसी चीज, इन्हीं दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। हमारा इक्वेशन 2 क्या है, 57x माइनस 49y इक्वल टू 252, और सेकेंड फर्स्ट इक्वेशन 49 माइनस 57y इक्वल टू 172। जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 57 माइनस 49 आएगा 8x, 57 माइनस 49 आएगा 8y, और 252 माइनस 172 होगा 80। तो x प्लस y और 8 को क्या करेंगे हम लोग, कॉमन ले लेंगे, इक्वल टू 80। अब ये 8 कहाँ जाएगा, नीचे, तो x प्लस y इक्वल टू 80 अपॉन 8, मीन्स x प्लस y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 10 जा 80 10, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। जब हमने इसे ऐड किया तो हमें मिला x माइनस वाई इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर थर्ड, और जब हमें इसे सब्ट्रैक्ट किया तो मिला x प्लस वाई इक्वल टू 10। तो यहाँ पर हमें देखिए अपोजिट साइन मिल गया है और सेम पेयर मिल गया है, तो हम इसे ऐड कर देते हैं इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को, तो हमें x का वैल्यू मिल जाएगा, फिर हम उस x के वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे थर्ड या फोर्थ में, तो हमें y का वैल्यू मिल जाएगा। तो चलिए हम इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ऐड इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। इक्वेशन थर्ड क्या है हमारा, x माइनस वाई इक्वल टू 4, और इक्वेशन फोर्थ क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 10। तो ये अपोजिट साइन है तो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये x x 2x हो जाएगा, और ये 10 प्लस 4 14 हो जाएगा। नाउ x जो है यही रहेगा, और ये जो 2 है नीचे आ जाएगा, 14 अपॉन 2। नाउ इसको कैंसिल करते हैं, 2 7 जा 14, तो x का वैल्यू हमारा कितना आया, 7, x का वैल्यू 7 आ गया। अब ये x का वैल्यू 7 आप या तो इक्वेशन 4 में पुट कीजिए या तो इक्वेशन 3 में, तो मैं इक्वेशन 4 में पुट कर देता हूँ, पुट x इक्वल टू 7 इन इक्वेशन फोर्थ। हमारा फोर्थ इक्वेशन क्या है,
एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10, तो x का वैल्यू कितना है 7 प्लस y इक्वल टू 10, तो ये जो 7 है राइट हैंड साइड में जाएगा, तो 10 माइनस 7 क्या हो जाएगा 3, तो y का वैल्यू कितना आ गया 3, तो हमारा x का वैल्यू 7 आया और y का वैल्यू 3 आया, तो हमें x का वैल्यू 7 मिला और y का वैल्यू 3 मिला। तो अब हमारा सोल्यूशन क्या हो जाएगा, सोल्यूशन ऑफ x एंड y, x का वैल्यू कितना है 7, तो 7 एंड y का वैल्यू 3। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो कंप्लीट हो गया। अगर आपको लिखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपको ये वीडियो समझ, आपको ये वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हमने किया वो सब आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।